last years in America, in neurological hospital, we did a research study on yoga nidra. और हमने ये पाया कि योग निद्रा का अभ्यास करते हुए वो लोग सोए नहीं हैं, वो पूरी तरह जागृत थे, पूरी तरह जागे हुए हैं, लेकिन जो ईईजी ग्राफ निकला उस ईईजी ग्राफ में ये साबित हो रहा था कि वो सब सब्जेक्ट्स बड़ी गहरी नींद में थे. अल्फा वेव्स वर बीइंग फाउंड व्हिच मींस अ वेरी हाईली रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड व्हिच अकर्स ओनली इन डीप स्लीप. गहरी नींद में जितना मन शांत होता है उतना ही अधिक उनका मन शांत इस अभ्यास को करते हैं जिसमें आप सोते नहीं है, परंतु इस यौगिक निद्रा में जाते जाते रोज 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 3 से 4 महीने में आपके समझने और सोचने और चीजों को याद रखने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है. अगर इसका अभ्यास 1 वर्ष रह गया तो मैं कह सकती हूं कि आपकी स्मरण शक्ति उतनी ही तेज हो जाएगी जितने के हमारे ऋषियों की होती थी. उदाहरण एक देती हूं, चूंकि विवेकानंद जी के नाम पर यह कॉलेज है तो उन्हीं के जीवन का एक संस्मरण देती हूं. एक बार वो एक साइंटिस्ट के घर में मेहमान थे, उसकी लाइब्रेरी में एक किताब देखी, बहुत प्यारी किताब, बड़ी दुर्लभ किताब. विवेकानंद ने कहा कि क्या ये किताब आप मुझे दे सकते हैं. वैज्ञानिक ने कहा कि देखिए ये किताब मैं आपको नहीं दे सकता हूं, पिछले 4 साल से मैं इसको पढ़ रहा हूं, इतनी मुश्किल किताब है ये, इसको समझने में अभी मेरे को वक्त लग रहा है, आई कैन नॉट स्पेयर दिस बुक. उन्होंने कहा अच्छा अगर मैं आपकी यही लाइब्रेरी में बैठ करके इसको पढ़ लूं 3 घंटे के लिए दे सकते हैं मुझे. उन्होंने कहा 3 घंटे में क्या होगा, 4 साल हो गए मुझे पढ़ते हुए, अभी तक समझ नहीं आई, आप क्या कर लेंगे 3 घंटे में. कुछ सर इफ यू डोंट माइंड देन आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम जस्ट टेकिंग इट फॉर 3 आवर्स. साइंटिस्ट वॉज वेरी कीन टू नो व्हाट विल ही डू इन 3 आवर्स. किताब दे दी, 3 घंटे के बाद विवेकानंद ने किताब लौटाई, कहा थैंक यू वेरी मच, यू हैव गिवन मी सच एन अपॉर्चुनिटी टू रीड सच अ चेरिश्ड बुक. साइंटिस्ट को लगा जरा देखूं तो सही, ये हिंदुस्तान से आया हुआ ये स्वामी समझता क्या है अपने आप को. उन्होंने कहा कुछ समझ भी आई. उन्होंने कहा जनाब आप कुछ प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ लीजिए. साइंटिस्ट ने वही सवाल पूछा जो उसको खुद समझ नहीं आया था 3 साल से, और विवेकानंद ने इतना तसल्ली बख्श जवाब दिया कि उसका मुंह खुला रह गया. जिस किताब को 4 साल से वो समझ नहीं पाया उस किताब के 3 घंटे अध्ययन करने मात्र से विवेकानंद ना केवल समझ रहे हैं बल्कि उसको भी समझा रहे हैं. कैसे किया? तो विवेकानंद ने उत्तर दिया, दिस वॉज बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ माय कॉन्शियसनेस. This was because of the power of meditation which I have achieved with the practice which my guru gave it to me. What was the practice? Yoga Nidra. And the second practice is Tratak. Tratak is one method which enhances the functioning of your pineal gland. I know over here you don't have science, but still I would like to explain. हमारे दिमाग का सबसे कीमती ग्रंथि, सबसे कीमती ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड. और पीनियल ग्लैंड को मेडिकल साइंस मानती कि तो सिर्फ एक वेस्टिज है जो 12 साल के बाद कुछ काम नहीं करती. लेकिन आज के आधुनिक विज्ञान ने धीरे धीरे इस बात को स्वीकार किया है कि पीनियल ग्लैंड मात्र एक वेस्टिज नहीं है, इसी को शायद तीसरी आंख या शिवनेत्र कहते. तुम जान के हैरान होगे, बच्चा अपनी जिंदगी का मूलभूत 80% ज्ञान मात्र 12 साल की उम्र तक सब कुछ सीख चुका होता है. उसके बाद तो सिर्फ 20 से 25% वो सीखता है. मेजर इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ, अबाउट बॉडी, अबाउट थिंग्स अराउंड यू, अबाउट द सराउंडिंग्स, अबाउट पीपल, अबाउट ऑब्जेक्ट्स इज गेन्ड इन द फर्स्ट 12 years ऑफ एज. एंड नो डाउट इसीलिए भारत में 8वें वर्ष से बच्चों को, बालिकाओं को, बालकों को उपनयन संस्कार करा के ओम का उच्चारण सिखाया जाता था. क्योंकि जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो ये ध्वनि तरंगों से आपका पीनियल ग्लैंड अफेक्टेड होता है. पर त्राटक में इसी प्रभाव को हम बहुत गहरा कर सकते हैं.
नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने पिछले दिनों एक प्रोग्राम दिया था माय वंडरफुल ब्रेन. हैव एनी वन ऑफ यू वॉच दैट? अफसोस एमटीवी से फुर्सत नहीं मिलती शायद. कभी कभी देख लेना चाहिए. इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम. उसमें उन्होंने साबित यह किया था कि द आईज आर एक्सटेंशन ऑफ आर ब्रेन. और हमारे ऋषि मनीषी इस बात को समझते थे, इसीलिए उन्होंने त्राटक की इस विधि को बनाया. जिस समय आप अपनी आंख को आई गेज फिक्स करते हैं ऑन अ फ्लेम, एट दैट टाइम देर आर वेरी थिन नर्व्स विच आर रनिंग फ्रॉम योर आईज to the pineal gland, and all these nerves get activated, and slowly your pineal gland will get activated, which means you achieve power of intuition, which means you achieve power of higher concentration, which means you receive the higher knowledge from within you. आज हम किताबें पढ़ते हैं, दूसरों ने लिखी जो, ऋषियों ने लिखी जो. प्रश्न ये उठता है, ऋषियों ने किस किताब को पढ़ करके ये लिखा था? फ्रॉम वेयर डिड दे गेन द नॉलेज? उनको ये ज्ञान कहां से आया? गुरु नानक देव का दिया हुआ श्री गुरु ग्रंथ साहब हम पढ़ते हैं, क्या अद्भुत वाणी है. प्रश्न उठता है, उनको किसने सिखाया था? कृष्ण के द्वारा उच्चारित भगवद गीता को हम आज पढ़ते हैं, जिसे तुम जान के हैरान होगे कि जब पहले बार ब्रिटेन के फिलोसोफर्स ने पढ़ा इसको, बर्नार्ड शॉ ने पढ़ा इसको, तो सर पर लेके भगवद गीता को गलियों में नाचने लग गया था कि ऐसा सुंदर ग्रंथ, जिस चीज को हम समझ नहीं पाते हैं, जिस चीज को हमारा दिमाग सोच नहीं पाता है, उन सब बातों के बारे में गीता कैसे कह सकती. तुम जान के हैरान होगे कि साइकोलॉजी जस्ट इन 1800s वुडंट इवन एक्सेप्ट एग्जिस्टेंस ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, एंड आवर सेजेस मोर देन 10,000 ईयर्स अगो ऑलरेडी न्यू अबाउट मल्टी लेवल्स ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, मैक्रो अनकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, कॉन्शियस. दिस वेरियस डिग्रीज ऑफ द माइंड वर स्टडीड बाय आवर सेजेस. हाउ कुड दे डू दैट? कैसे? बिकॉज दे हैड द पावर टू रिसीव द हायर नॉलेज फ्रॉम विद इन. आइंस्टाइन को इस सदी का सबसे हम अकलमंद इंसान मानते हैं, निश्चित वो थे भी, पर आप जान के हैरान होंगे कि उन्होंने भी अपने दिमाग का सिर्फ 8% इस्तेमाल किया था. 8%. अगर आइंस्टाइन खाली 8% इस्तेमाल किया है तो देवी जी आपने कितना किया है अभी तक? बड़ी दिक्कत हो जाएगी. हम जिस समय त्राटक करते हैं, उस समय हम अपने ब्रेन के न्यूरॉन सर्किट्स को एक्टिवेट करते हैं. आई बिलीव इफ यू डोंट ईट फूड इन फ्यू डेज और वीक्स योर बॉडी विल गेट वीक, राइट? बट व्हाट अबाउट द नरिशमेंट ऑफ योर ब्रेन? व्हाट डू यू डू फॉर योर नरिशमेंट ऑफ द ब्रेन? इस दिमाग को सशक्त और नरिश रखने के लिए आप क्या करते हैं? जब आप कुछ करते ही नहीं है तो दिमाग का विकास कैसे होगा? और हमारे मनीषियों ने इस बात को समझते हुए यह बात कही और यह बात समझाई. गुरु से शिष्यों को यह बात बतलाई जाती थी. त्राटक और योग निद्रा का अभ्यास कराया जाता था, सिखाया जाता था, और इसी तरह भारत में विद्या का इतना प्रसार और प्रचार हो पाया था. Thank you.